हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और टक्कू यहाँ खा रही है बर्फी। क्या कर रही है टक्कू? मिल्क केक खा रही है। मिल्क केक नहीं है बेटा, ये मिल्क केक ही है भाई। अच्छा, ये बनाएगा आज उड़द की दाल विद ढाबा स्टाइल। यस, या होटल स्टाइल? ढाबा स्टाइल। ढाबा स्टाइल उड़द की दाल, ये देख, जोधपुर स्टाइल में धुली हुई है ना, जोधपुर स्टाइल में। तो आज इसकी खा के देखेंगे दाल ये कैसी बनाएगा। उसको बहुत शौक चढ़ रहा है खाना बनाने का, देखते हैं आज ये क्या करेगा। दाल का कबाड़ा तो नहीं करने का। इतना टेस्टी बनाता हूँ बहुत ज्यादा, सब लोग डबल डबल बार मांगते हैं। चलो बनाओ फिर उसकी फोटो दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए फ्रेंड, यहाँ दाल धुल रही है, उसमें डाल दिया पानी, तो इतने धीरे धीरे धुलेगी। हाँ, हाँ, तो 2 साल लग जाएंगे बनने में। नहीं, यही तो बात है हमारे बनाने में, तभी तो मजा आएगा, आनंद आएगा खाने में। देखना स्त्रियों के बनाने में और पुरुषों के बनाने में ये फर्क है। लो 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 फ्रेंड, यहाँ कट रहे हैं टमाटर, प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च है, देखने में जो बहुत सुंदर लग रही है। इनका लगेगा तड़का दाल का है, दाल में मैं तो हरी मिर्च भी डालती हूँ, जब उबल गया ना उसमें भी डाल देती हूँ काट के। नहीं मैं इसको अच्छा फ्लेवर आता है, तो मैं इसको हल्की फ्राई करता हूँ, ज्यादा फ्राई नहीं करता, हल्की फ्राई करता हूँ, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। क्या होता सीख लो दाल बनानी। और मेरी फेवरेट दाल और मेरे पापा की फेवरेट दाल है उड़द की दाल, धुली हुई उड़द की दाल। हमें आप मटर पनीर मत दो, कुछ भी मत दो, हमें आप उड़द की दाल दे दो, हम खुश हैं, बहुत अच्छी बनी। लाओ ये दो कटिंग करते हैं, कुछ कैसे काटना मेरे को तो पता नहीं। यहाँ प्याज लगा, हमें दिखाओ, मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाऊँ। मैंने आज तक इससे काटता ही नहीं कभी, मेरे पास वैसा है वो छोटा सा जैसे करने वाला। इसको ऐसे करना है और ऐसे, और 3-4 बार करेंगे तो बहुत बढ़िया वाला हो जाएगा। ऐसे ऐसे करते रहो, अपने आप बहुत छोटा सा। मेरे घर में मैं यूज करता हूँ उसको, कोई नहीं यूज करता, सब लोग चाकू की मदद से अपना काम करते हैं। उनको आदत पड़ी हुई ना चाकू की। हाँ। मैं फटाफट इसको ऐसे करता हूँ। और रोना भी नहीं आता इससे। हाँ, बच्चों का कहना इससे रोना भी नहीं आता। बराखों में प्याज का रस लगना ज्यादा जरूरी है, आपके साथ उठते हैं। मैल उतर जाता है ना सारा, जो गंदा पानी होता है वो निकल जाता है, और उसे एक बड़ा इफेक्ट हो रहता है कि जो हमारी रेटिना होता है उसके ऊपर एक जाल आ जाता है, धुंधला धुंधला जिसे हम बोल देते हैं, तो उससे वो भी निकल जाता है। बाबू क्या कर रहे? हमारे हमारे भैया बिना प्याज का खाते हैं, उनके लिए बिना प्याज की अलग से दाल छोकेंगे और आपको दिखाएंगे कितनी टेस्टी दाल है। खा तो आप तो सकते नहीं, पर देख कर ही पहचान जाएंगे आपको अच्छी दाल बनी है। नए टप्पू का खा लेती है, प्याज वाली टप्पू खा लेते हो ना प्याज का, बस हम प्याज तक ही सीमित है, उससे ऊपर नहीं। लसन नहीं खाते हाथ में, लसन नहीं है फ्रेंड, देखो आलू, क्योंकि लसन हम लोग खाते नहीं है, इसमें लसन नहीं है क्योंकि हम लोग लसन खाते नहीं है। ओनली सात्विक खाना, सिर्फ प्याज तक सीमित है हम लोग, बस हम प्याज खा लेते हैं, लसन नहीं है कहीं भी नहीं है। और हमारी भाभी सबसे बढ़िया दाल बनाती है देसी मछली, हमारी भाभी की सबसे फेवरेट दाल है देसी मछली। भैया आज खाने की छुट्टी? हाँ ठीक है, आज हम रेस्ट लेंगे, आज जेंट्स बनाएंगे खाना, लेडीज आराम करेंगे। मेरा भाई बनाता है मटर पुलाव, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी मटर पुलाव। शादी के लिए तुम अपना ढाबा खोल लो, और हमारे यहाँ मम्मी बनाते मूंग की दाल की खिचड़ी। हाँ मेरी मम्मी बनाती है मूंग की दाल की खिचड़ी, बहुत अच्छी। जब मैं नाराज हो जाता हूँ मेरी मम्मी मूंग की दाल की खिचड़ी बनाती है, मैं खुश हो जाता हूँ। हमारे यहाँ जो सबसे छोटा बच्चा 7 साल का है वो भी अपने लिए बना देता है, हमारे यहाँ सब लोग हलवाई है। यही तो चीजें हैं, यही वो करती हैं। फ्रेंड अब आ गया तड़के की बारी,
और दाल में लगेगा तड़का, डाल दिया अपना तेल, इसमें क्या क्या डालेगा? फ्रेंड्स अब हम आइसक्रीम सारे आइसक्रीम पार्टी कर रहे हैं, तड़के में डल रहे हैं मसाले, क्या क्या डाला? किचन मसाला, देगी मिर्च, चंकी चाट मसाला, गरम मसाला, दाल देखो कितनी अच्छी हो गई है, देखो कितनी अच्छी हो चुकी है दाल, अभी चुप नहीं हो रहा क्या यार? और ये डल जाएगा इसमें तड़का, कितना रेड रेड मस्त तड़का, ठीक है मिर्ची को कितनी मिर्ची डालोगे? ऑलरेडी बहुत रेड है, ज्यादा मिर्ची बर्दाश्त नहीं होती है। मिर्चों से क्या है, टेस्ट नहीं बढ़ता, सिर्फ मिर्च मिर्च होता है कि हाँ मिर्च है, मिर्चों से कभी टेस्ट नहीं बढ़ा करता। अभी इसमें एक तड़का सुंदर लग रही है, अभी एक तड़का और लगने वाला है इसका। अभी इसमें मैंने प्याज का तड़का अलग, टमाटर का अलग है ना, दोनों का अलग होगा, देखो कितना फ्रेंड इसमें डाला है। अभी टमाटर का तड़का बना के टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया, हाँ, 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 और अब प्याज का अलग से लगाएंगे, अब प्याज का और जीरे का अलग से लगेगा, और आनंद आने वाला है। ये ट्रिक होती है अलग से बनाने की, अच्छा लगता है, वेरी नाइस। ये डाल दिया है जीरा, और थोड़ी सी डालनी है इसमें अजवाइन, अजवाइन थोड़ी सी बिल्कुल खुशबू के लिए, एक चुटकी है ना, हाँ हाँ, जगह नहीं है यहाँ, जगह बहुत कम है, हाँ किचन छोटा, अभी दूसरे वाले जब हम शिफ्ट होंगे तब अच्छा होगा, किचन छोटी होने की वजह से वीडियो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हाँ। तो ये हो गया हमारा तड़का जीरे वाला तैयार, अब इसमें डलेगा प्याज है ना? नहीं नहीं अभी प्याज नहीं डलने वाला, अब इसमें बहुत कुछ अलग होने वाला है, जैसे कि हम लोग देखना, हाँ हाँ बनाओ बनाओ बनाओ, यही तो असली चीज है, यही असली चीज है, दाल का धुआं जला, हाँ यही असली चीज, प्याज का तड़का अलग से, एक और अब तीसरा तड़का लगेगा अलग से, तीन तड़के, हाँ ये तीसरा तड़का अलग से लगेगा, कपड़ा रखा था इधर। दाल आ चुकी है किचन से बाहर, तड़का लग के आया है, देखो कितनी सुंदर लग रही है भाई की दाल, वो भी ढाबा स्टाइल, और खा के देखेंगे फिर बताएंगे कैसी लगी। फ्रेंड्स मैं खा रही हूँ खाना, देखिए ये दाल मेरे भाई ने बनाई थी, तो मैं खा के देख रही हूँ कैसी लग रही है दाल, बनी कैसी है। दाल काफी टेस्टी लग रही है, जिस हिसाब जैसे उसने तड़का लगाया ना, बहुत डिफरेंट तरीके से तड़का लगाया गया,
तीन तरीके से उसने तड़का लगाया और बहुत ज्यादा टेस्टी बन गया था। आप जरूर बना के देखिएगा इसी तरह से। फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ गुड़िया के पास जो कि मेरी आंटी की बेटी है, तो आज ये करवाएगी मुझे डांस प्रैक्टिस और हम साथ में डांस करेंगे आज। और तो सोर्स डालेंगे इसके बाद। हाँ सोर्स भी डाल देंगे। तो करते हैं डांस प्रैक्टिस। लाए थे फ्रूटी तो ये उसके छोटू के सिपर में भर रहे हैं और वो पिएगा। अब जल्दी भर दे फिर मैं दे के आ रहा। अब इसे दे के आते हैं। ले पकड़ पकड़ फूटी पीले। मुझे भी दे दे चीकू। अबे चिप्स बाद में खा लियो, मुझे दे। अब चीकू मुझे दे दिया फ्रूटी गिलास में दे। तो मैंने ले लिया चीकू से फ्रूटी, थोड़ी सी देख सर बिल्कुल कोई बात नहीं, चला लेंगे काम। हो गया अंदर आ, रोटी पी के बाहर आ गया। ओए अंदर आ, अभी ला रहा है इसे बुला के। आ चल 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 अंदर चल। दीप रोटी अब बाहर चला गया। बाहर क्यों जा रहा, बाहर बाद में चार ला जाइयो, पहले अपनी रोटी पी ले।